हमारे लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे अनुरोध को स्वीकार करके एक ऐसे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रचनाकार जिन्होंने संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों में कैसे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो इस दिशा में सबका मार्गदर्शन किया है। मैंने सहज ही इनसे निवेदन किया था कि हम अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम का विकास कर रहे हैं, उसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मूल अवधारणा है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसमें कैसे आगे बढ़े इसके लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए, तो हमें कोई आप विद्वान दीजिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको ठीक लगे तो मैं ही आ जाऊंगा। तो मैंने कहा आप तो बहुत व्यस्त होते हैं, पूरे भारत का शिक्षा का इस प्रकार का जो कार्य है IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर उसके आप डायरेक्टर हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा विविध ऐसे कार्यक्रम जो चलते हैं उनका प्रसार पूरे भारत में कैसे हो इसको सुनिश्चित करते हैं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, आप हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम भी अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल अवधारणा के साथ और अपनी परंपरा के संरक्षण के साथ हम क्योंकि हम पारंपरिक विश्वविद्यालय से हैं और पारंपरिक विश्वविद्यालयों में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे हो ये थोड़ी हटकर के बात है, इसलिए हमें आपका विशेष सहयोग चाहिए माननीय अविनाश चंद्र पांडे जी। आज इस द्विदिवसीय कार्यशाला के अवसर पर मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे अग्रज माननीय कुलपति जी प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, डॉक्टर NP सिंह जी, प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी, प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी और इस सभागार में उपस्थित आचार्य रमेश कुमार पांडे जी पूर्व कुलपति तथा सभी पीठ प्रमुख, सम्माननीय विभागाध्यक्ष महोदयगण एवं सभी सम्मानित शिक्षकगण, विषय थोड़ा कठिन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करनी होती तो बड़ी सुगमता से, लेकिन आपने कहा है कि संस्कृत विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में, तो सबसे पहले तो आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जो शिक्षा नीति में विसंगतियां थी उसका जो प्रमुख, एक तरह से आप प्रमुखता से आप उसको कह सकते हैं, वो ये कि विषयों को बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया था, बांट दिया गया था और इससे ज्यादा विखंडीकृत विखंडन संभव नहीं था। उदाहरण के तौर पर आप ही की एक चिंता है जिसमें कि आप दो प्रश्न पूछते हैं, एक तो ये कि शून्य क्या है और दूसरा अनंत क्या है। शून्य का अर्थ ये है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे कोई द्रव्य बनता है उसमें सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा, और आपके यहाँ विद्वान हैं जिन्होंने वैशेषिक न्याय पढ़ा होगा, सांख्य पढ़ा होगा और उसमें इस प्रकार की चिंता पूर्व में थी। अनंत क्या है और शून्य का अनंत के साथ में, और पंडित बिहारी जी हमारे साथ हैं, जब भी हम लोग आहुति करते हैं पूर्ण आहुति करते हैं तो पूर्ण के साथ में पूर्ण में से पूर्ण में घटाइए जोड़िए पूर्ण, ये जो श्लोक है जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को हमने छोड़ दिया। विखंडीकृत इस शैक्षणिक व्यवस्था का जो परिणाम परिलक्षित है वो हम आपके बगल में है, अगर आपसे पूछे कि हम करते क्या हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा कि हम क्या करते हैं। तो मेरी चिंता पहले प्रश्न को है कि शून्य क्या है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या होना चाहिए
और बिल्डिंग ब्लॉक तो थोड़ा सा परिचय करेंगे, परिचय करने के बाद फिर हम इस विषय पर आएंगे, हमारे संस्थान क्या करता है। जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो लगता है कि कोई ऊपर टावर है तो पानी की टंकी कोई कहता है, और जब हम ज्वाइन करने आए थे तो आते रहते थे तो हमने अपने ड्राइवर साहब से कहा कि चलिए हम आपको बता देंगे रास्ता कहाँ जाना है। जब वो गेट पर आ गए, सीसी के पास पहुंच गए, तो उन्होंने कहा साहब पहले बताना चाहिए था कि यहाँ आना है। हमने कहा क्या? अरे यही कि बॉम्ब फैक्ट्री चलना है। आज के डेट में भी यहाँ पर जनश्रुति यह है कि यह जो है वो बॉम्ब फैक्ट्री है। कारण यह है कि हमने अपने को बिल्कुल मोनोलिथिक, जिसको कहते एक ही खंड में अपने को इंसुलर, सबके साथ में इंसुलेट करके विकसित किया अपने आप को। हमने ध्यान ही नहीं रखा कि समाज का विकास किस प्रकार हो रहा है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार विकसित हो रही है, उनके बीच में सामंजस्य क्या होना चाहिए, उस पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। यही चिंताएं हैं जिनके कारण, जिसको आपने कहा कि ये 19 नहीं है, ये श्रेष्ठ बनाती है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। तो जब हम लोग छोटे होते हैं बचपन में, तो सबकी एक प्रवृत्ति है कि कुछ भी हाथ में मिलता है बच्चे वो उसको फेंकते हैं, दूर फेंकते हैं। दो कारण से, एक तो ये कि उनके हाथ में कुछ आया है तो देखते हैं कि वो कितनी दूर फेंक सकते हैं, कितनी ऊर्जा से उसको फेंक सकते हैं। यही काम हम यहाँ भी करते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि जो हाथ में ऑब्जेक्ट आपने लिया वो कोई खिलौना नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है, और कभी मौका मिला तालाब के पास गए तो वहां भी जो मटके का छोटा सा टूटा हुआ हिस्सा होता था उसको ऐसे फेंकते थे कि पानी के ऊपर वो टप्पा खा करके दूर तक जाए। हम लोगों ने, में से तमाम लोगों ने किया होगा जिनका की जुड़ाव गांवों से था। यही कार्य हम क्या करते हैं कि टुकड़ा लेने के बजाय जो सूक्ष्मतम कण है जिसको हम लोग आयन कहते हैं, तो जो आपको दिख रहा होगा टावर में ऊपर, वहां हम आयन पैदा करते हैं, और उस आयन को हमारी अपनी सामर्थ्य से हम फेंकते थे। यहाँ पर हम उपाय करते हैं जिससे कि वो आयन जो ऊपर पैदा हुआ वो एक्सेलरेट हो, वो जैसे हम गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं वैसे वो एक्सेलरेट हो करके बेसमेंट में जाए, और उसको उपयोग करने के लिए हम लोगों को देते हैं कि देखिए आप इसको उपयोग इसका कर सकते हैं। किन कारणों से, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमको दूसरी चिंता करनी है, अनंत क्या है, तो हमारा ही दूसरा सिस्टर कंसर्न है पुणे में, जिसको हम आयुका कहते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये आयुएसी है, वो आयुका है। तो दो प्रश्न, शून्य और अनंत को जानना। वहां जब हमको जानना होता है कि अंतरिक्ष में क्या है, तो हम वहां पर अंतरिक्ष में यान भेजते हैं, वोएजर भेजते हैं, वो जाकर के पिक्चर्स लाता है, और उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का वो ग्रह है, ग्रह के चार तरफ उस पर क्या है। तो यान तो हम भेज नहीं सकते सूक्ष्मतम जो अणु है उसके बीच में, तो यान की जगह पर सूक्ष्मतम कण भेजना, और ये कार्य हम यहाँ पर करते हैं। ये राष्ट्रीय एक तरह से संपत्ति है। यह माना गया था उस समय कि हम ये सारी सुविधाएं हर जगह नहीं दे सकते, तो एक जगह इसको क्रिएट कर दिया जाए और देश भर के जो वैज्ञानिक हैं वो आकर के इसका उपयोग करें। तो हमने आपको बताया कि एक्सेलरेटर का दो गाड़ियों को आपस में टकराना, और टकराना कि उसकी हेडलाइट किधर गई, उसका स्टीयरिंग किधर गया, उसको ढूंढना और क्यों उसी दिशा में गया, इससे उसके बारे में पता करना कि जो लोग टकराए थे वो कैसे थे। ये छोटा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ करते हैं, और उसके उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, और विभिन्न क्षेत्रों का मतलब कोई भी चीज अगर आप सोचिए कि कहाँ नहीं उपयोग हो सकता, उसको हम गिनाना शुरू करेंगे तो आप जो जिसको हम बहुशास्त्रीय मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो एक दूसरी जो धारणा थी पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, और हम लोग कई तरीके से चाइनीज में यिन यांग और तमाम तरह से अपने यहाँ उन दोनों की युति हो तो द्रव्यमान समाप्त हो गया, ऊर्जा आ गया, ऊर्जा से द्रव्यमान के, ये सारी चिंताएं हमारे दर्शन शास्त्र में किसी न किसी रूप में मिलती हैं। उसका भी हम लोग यहाँ पर प्राकृतिकरण करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस दिशा में तमाम एक्सपेरिमेंट्स और तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक जो टावर है उसके अलावा शुरुआत हमने वहां से की, और 6-7 एक्सेलरेटर हम लोग यहाँ पर लगा चुके हैं जिनका 24 घंटे 365 दिन बंद नहीं होता। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो उस दौरान भी ये बंद नहीं रहा।
अगर बंद कर देंगे तो इसको चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर निर्वात है, हवा हमने पूरी तरह से खींच ली है, और हवा खींचने का मतलब 10^-9 तक उसके अंदर वैक्यूम है। हाई वोल्टेज ये 15 मिलियन वोल्ट, आप लोग 200 वोल्ट 220 वोल्ट की घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, 3 लाख वोल्ट अगर होगा तो 300 kV हो, जो हमने इलाहाबाद में एक सुविधा लगाई, उस 3000 में अगर आप 1500 से और गुणा करेंगे तो यहाँ की सुविधा होगी, और उसमें भी 1000 गुना अगर ज्यादा कर देंगे तो जो आपने नाम सुना होगा लाइट हैड्रॉन कोलाइडर, जो जिनेवा में सुविधा है, ये इससे बड़ी सुविधा वहां पर है, वहां पर और 1000 गुना अधिक गति से ऊर्जा से आप प्रेक्षण कर सकते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर जानने के लिए कि ये एक्सेलरेटर क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। अब जब भी होता है तो आज के समय में कठिनाई होती कि करते हैं तो इसका फायदा क्या है, तो अब अगर संस्कृत से पूछा जाए कि फायदा क्या है, आपके पास नैक में आई है तो नैक में आई, पब्लिकेशंस आपके कहाँ पर हैं, आपके जो पब्लिकेशंस हैं शोध पत्र हैं उनके साइटेशंस कहाँ पर हैं, उस पर आपको अंक मिलता है। अब वो क्यों है उसके बारे में हम लोग फिर से चिंता कर रहे हैं कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें कि हमारी सुविधा कितनी महत्वपूर्ण है, हर 3 वर्ष में जो नोबेल प्राइज जिसको हम कहते हैं कि वो मानक है, हर 3 वर्ष में एक नोबेल प्राइज मिलता है, और 70 वर्षों में 24 नोबेल प्राइज इसी विधा पर केंद्रित जो शोध हुए उन पर लोगों को मिला है। और हम आपको उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं, जैसे ये सरफेस जो दिख रहा है, ये जो सतह दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम आंख से चंद्रमा देख रहे हैं, चंद्रमा नहीं है ये, आंख से देख भी नहीं सकते आप, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, और वो माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। जब इसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करते हैं आयंस का, तो आप देख रहे होंगे वहां 10^13 लिखा हुआ है, इतने आयन अगर उसको जाके टकराए तो इसमें क्रैक पड़ जाता है, और वो क्रैक माइक्रोस्कोप से देखिए, और अधिक आपको अगर बम्बार्डमेंट करेंगे तो सरफेस इस तरह से बदलता जाता है, और ज्यादा अगर आप करेंगे, 1000 गुना और बढ़ा दिया आपने, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर टावर निकलना शुरू है, जैसे नैनो टावर्स। अब नैनो का नाम हमने आपको ले लिया है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, वो भी बहुत सूक्ष्मतम, कितना छोटा से छोटा हो सकता है। कणाद के बारे में पढ़िए तो उन्होंने बताया था कि धूल जो आपके कमरे में फैली हुई है, रश्मि आ रही है सूर्य की, तो कितना हिस्सा उसको अगर छोटा कर दे तो एक परमाणु होगा, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। उस प्रकार की चिंता हमारे इस में हम लोग करके देखते हैं कि वो छोटा से छोटा चीज क्या हो सकता है। उपयोग के तौर पर जितने भी उपग्रह जाते हैं, उन उपग्रहों की पहले परीक्षण यहाँ होता है, क्योंकि जब वो जाते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो उस पर लगातार बम्बार्डमेंट होता है कॉस्मिक रेज का, जो कॉस्मिक किरणें निकलती हैं उनसे बम्बार्डमेंट होता है, तो आपके पास जो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें सेमीकंडक्टर है, वो खराब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 5 वर्ष तक उसको रहना है, तो 5 वर्ष तक उसको कितने लोगों से उसका सामना होगा, कितना उसके ऊपर बौछार होगा, वो 1 सेकंड में करके देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी बचेगी, यानी कैमरा बचेगा, सेंसर बचेगा, कि अदरवाइज आप इतना बड़ा प्रक्षेपण का उपले आप GSLV PSLV लगाइए और जो उपग्रह है उसकी लाइफ ही नहीं है वहां पर। ये कार्य हम लोग नियमित यहाँ करते हैं। इसके बाद आपने नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग, जिससे आयु निर्धारण, और कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण कार्य भी है जो कोर्ट के अधीन चल रही है, जिसका हम उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन अभी हाल में मदुरई में एक पुरातात्विक उत्खनन के बाद वहां पर किल्लाड़ी नाम का एक स्थान है, वहां पर एक साइट मिली है जो मोहनजोदाड़ो और लोथल से करीब 500 वर्ष पुरानी, अभी हाल की बात है, अभी पिछले 4 दिन पहले उसको वहां के मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेट किया। कैसे निर्धारित करें कि यह कितना पुराना है, इसकी अधुनातन राष्ट्रीय ही नहीं एशिया की सबसे अच्छी फैसिलिटी एक्सेलरेटर पर आधारित एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटरी है, और हम लोग डेट देते हैं कितनी क्या डेट होना चाहिए। अब आ जाइए जहां तक संस्कृत विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, तो अगर आप इसका जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वही है जो पहले थी, उसको हम लोग वापस ले आए हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो
अध्यापन करता था वो तय करता था कि इस विद्यार्थी को कितना पढ़ाना है, ये नहीं था कि हमने सबको सब कुछ पढ़ाना है, योग्यता के अनुसार, उसकी अभिरुचि के अनुसार। तो उसका क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये ब्रह्मनिकल वे ऑफ टीचिंग है, ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले तक्षशिला की अगर हम बात करें तो करीब 5वीं-6वीं शताब्दी में लेकर के जो 5th century AD तक ये विश्वविद्यालय रहा। आज ये पाकिस्तान में है और यहाँ पर पढ़ाने के लिए, आज हम मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक की बात करते हैं, आप देखिए वहां क्या नहीं पढ़ाया जा रहा था। वेद जितने 18 जो आपके कलाएं हैं और हर प्रकार के स्किल्स, आज हम लोग स्किल्स पर, कौशल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, वो कौशल वहां पर, जब चाहे वो राजघराने का कोई बच्चा जाता हो, चाहे किसी भी घराने का जाता हो, वो उसके अनुरूप स्किल्स की ट्रेनिंग वहां होती थी, कौशल, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे वो धनुष विद्या हो, चाहे वो जो भी है। लॉ स्कूल, उनकी खुद की अपनी लॉ की परंपरा, और लॉ की परंपरा अगर आप कहें कि ये पता चलेगा ब्रिटिश से आया, तो एक छोटा सा उदाहरण है, सूरदास का एक पद है और सूरदास के उस पद में आप देखिए कि पूरा जो एविडेंस एक्ट है वो उन्होंने, ज्यूरिसप्रूडेंस उन्होंने रख दिया। आप जानते हैं कि वो एक ऊपर से छीका तोड़ लेकर के उनके मुंह में माखन लपटा हुआ है और वो पकड़े गए। उनकी माँ उनको पकड़ करके उनसे पूछ रही कि ये क्यों किया तुमने, और वो अपने डिफेंस में बता रहे हैं कि हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बालक बहियन को छोटो, कैसे हम वहां पहुंच पाएंगे, अपने डिफेंस में। उसके बाद वो कहते हैं कि भोर भयो गहियन के पीछे मधुबन मोह पर, हम तो थे ही नहीं वहां पर। उसके बाद लगता है कि अभी भी काम नहीं चल रहा है, माँ बिल्कुल पिघल नहीं रही है, तो कहते हैं कि ये सब ग्वाल बाल जो है ना, शिकायत इन्होंने किया है, ये सब बरबस मुंह लपटाए हो, हम तो किए नहीं। अब एक के बाद एक, जब हम भी कहीं पकड़े जाते हैं तो डिफेंस करते हैं कि हम वहां थे नहीं, हम तो वो काम कर ही नहीं सकते थे, जुबिनाइल डिफेंस का केस लेते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये कोई और किया हुआ है, जिसको कि हम सिद्ध कर दें, और जब कुछ नहीं बचता है तो मेलाफाइड इंटेंशन लगा देते हैं कि अच्छा आप हमको, आपके हम सगे बेटे नहीं है ना। और जैसे ही वो इस अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत यशोदा माँ के अपने उस रूप में आ जाते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस कितनी अच्छी तरीके से उस उन 4-5 पदों में, तो ये लॉ स्कूल और हमारे यहाँ जो बाद में कालांतर में चल करके जो पंचतंत्र और जो जातक कथाएं, जो पौराणिक कथाएं, जो आख्यान है, वो आख्यान एक प्रकार से उन विचारधाराओं को सतत, उनके प्रवाह को सुनिश्चित करती थी। और इस प्रकार से जो कि लर्निंग आउटकम बेस्ड है, आज हम लर्निंग आउटकम बेस्ड की बात करते हैं कि आप पढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली कोई लेके क्या जाए। एक बार हमने जातक कथा पढ़ाई आपको या कोई कथा बताई, तो आपके बिहेवियरल चेंजेस हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। केवल ये नहीं कि आपने कुछ ज्ञान आधारित कुछ चीजें रट ली, रटने के बाद उसको परीक्षा में लिख दिया, आप उत्तीर्ण हो गए और फिर दौड़ शुरू हुआ, कट थ्रोट का गला काटो कंपटीशन, कितना ज्यादा कौन रटता है और कितना अधिक अंक पाता है, और उस अंक के बाद कोई अंत नहीं है। और अंत के साथ साथ फिर हम लोग भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, किसी के साथ में प्रतिस्पर्धा करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उस व्यक्ति की खुद की जो मनुष्यता है उसको समाप्त कर दे। और दिशा किस तरफ जा रही है आप देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो युद्ध चल रहे हो या युद्ध में लोगों को झोंका जा रहा हो, वो क्यों, और हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ की जो पढ़ाई, उसमें आप देख रहे हैं। पढ़ाने के लिए उन दिनों आयुर्वेद, और आयुर्वेद को सिस्टमेटिकली जो लाइफ स्टाइल के साथ जिसको जो डील करता हो, और कुछ दवाई की कंपनियां ये तय कर ले कि हर आदमी को किसी न किसी तरीके से उसको दवा खिलाना है, क्योंकि हमारा मार्केट बढ़े। और मार्केट बढ़े, आप जानते होंगे कि हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्लड प्रेशर दवा बंद कर दीजिएगा, डायबिटीज दवा बंद कर दीजिएगा, लेकिन जो मानक है उन मानकों को धीरे धीरे स्ट्रिक्ट बनाया जाए, जिससे कि ढेर सारी पॉपुलेशन उस बीमारी की तरफ ढकेली जाए और वो दवा पर निर्भर हो जाए, के बजाय आयुर्वेद का उपयोग लाइफ स्टाइल को चेंज करके उस पर ध्यान नहीं है ना। और ये हमारी पुराने समय में शिक्षण व्यवस्था का अंग हुआ करती थी।
आप जिस अर्थशास्त्र की बात करते हैं, आज अभी शॉर्ट सेलिंग कंपनी आई, उसने एक कुमार के गिराया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उसके बाद अभी आपने देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक चला गया, सिलिकॉन वैली बैंक चला गया तो उसको खरीदने वाला HDFC आ गया। अर्थव्यवस्था मुझे पता ही नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला। जिस सिलिकॉन वैली बैंक को फोर्ब्स ने अभी उसके बारे में लिखा जा रहा है, ऐसा कॉलम्स आ रहे थे कि बहुत बढ़िया कर रहा है, वो अचानक अगले दिन विलुप्त हो जाता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं? तो ये था तो हमारा उस समय का तक्षशिला। नालंदा, नालंदा जो है वो आप जानते हैं कि नालंदा के साथ क्या हुआ और कितना कितनी विशाल उसकी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय हुआ करता था। और हमने भी कहा ना कि हम लोग आ रहे हैं लौट करके, क्यों? क्योंकि उस समय फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:5 था। आप बताइए किसी के क्लास में कहीं पर 1:5 है क्या? हम लोग ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, देखा कि शिक्षक ही नहीं है देश में, और अभी हम स्ट्रिक्ट कर दे कि 1:20 ले आइए तो जगह जगह हंगामा हो जाएगा कि आप लोगों को कहां से लाएंगे शिक्षक जब शिक्षक नहीं है। जब उसको 1:30 किया तो टेलीग्राफ में छपा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की संख्या कम की जा रही है, इसलिए तो जो एक तरह से ये कहा जाए कि नैरेटिव सेट करना और उसको धराशायी करने की कोशिश करना, आप देख रहे होंगे कि इससे कहीं उन्नत किस्म का, और केवल यही नहीं, आज हम लोग कोशिश करते हैं कि विदेश से बच्चे आए। 9 स्टोरी की लाइब्रेरी थी नालंदा में, जब जली तो महीनों जली पुस्तकें, और पुस्तकें वो पुस्तकें नहीं थी जो जीरोक्स करके, वो पांडुलिपियां थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो वहां पर अक्षय भंडार के तरह ज्ञान परंपरा में हमारे पास उपस्थित थे, वो जला दिया गया। और जहां तक पढ़ाने की बात है, विज्ञान हो, खगोल विज्ञान हो, आपका चिकित्सा विज्ञान हो, लॉजिक दर्शन शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण अंग है उसका, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी और जितने भी तरह के आपके पास आस्तिक नास्तिक जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी हमें भारतीय दर्शन समझना है। जब तक सबको आप नहीं समझेंगे समग्रता से तो आप समझ नहीं सकते। वहां ये नहीं है पाश्चात्य कि मैं मेरा शिष्य का शिष्य वो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर अविच्छिन्न रूप से चलने वाली समानांतर धाराएं हैं जो किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्रयत्नशील हैं, और ये परंपरा हमारे पास थी। उन्हीं परंपराओं में से अभी 2022 का एक नोबेल प्राइज मिला है, और 2022 के नोबेल प्राइज में 3 एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। हमारे शंकर के द्वैत अद्वैत में एक चिंता व्यक्त की जाती कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक रस्सी पड़ी हुई है, जब तक अंधेरा है तब तक हम भ्रम में रहते हैं कि ये रस्सी है कि सर्प है, जैसे ही हमने लाइट जलाई भ्रम खत्म हो गया। यही एक्सपेरिमेंट श्रोडिंगर का एक्ट है कि एक उन्होंने थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट की परिकल्पना की कि एक बक्सा है, बक्से में बिल्ली रखी है, बिल्ली जहां पर रखी बंद है उसमें एक पात्र है, उस पात्र में विष रखा हुआ है, साथ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी जब बढ़ेगी एक सीमा होगी तो रेडियो एक्टिव रखा हुआ जो पात्र है वो टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो विष उससे बाहर निकलेगा, बिल्ली पी भी सकती है नहीं भी पी सकती है, जब आप खोलेंगे तो आपको ये पता नहीं है कि बिल्ली मृत है या। इतनी घटनाओं, इतने आपस में कार्य कारण संबंध के साथ में जोड़ करके आपने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट, तो डिटर्मिनिस्टिक यानी कि हम निश्चित रूप से कह दें ये कि ये है ही है, के बजाय द्वैतता, अद्वैतता, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये जो चिंताएं थी वो आज आपके समय में एंटेंगलमेंट, जिस पराभौतिकी की बात करते हैं, कहा जाता था कि ये टोटका विज्ञान है, आज एंटेंगलमेंट की हम बात करते हैं कि अभी हम बैठे हैं, रात में हमने स्वप्न देखा, सवेरे हम किसी से मिल के गए, स्वप्न में कुछ हुआ, अगले दिन कोई दूसरी घटना हो गई, वो आपस में कनेक्टेड कैसे है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ दोज थॉट्स, ये अभी एंटेंगलमेंट की बेल्स इनइक्वालिटी के साथ में ये अभी नोबेल प्राइज मिला। अब जब वो मिलेगा तब हम लोग देखना शुरू करेंगे, और शायद आप, हम संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को दूर रखा गया कि आप उस तक पहुंचे ही नहीं, जिससे कि आपको पता भी नहीं चले कि वो क्या हुआ, क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या था। ये कुछ चिंताएं हैं। आज के समय में हम बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, बाहर से विद्यार्थी आने चाहिए, और अभी हाल में आपने साल भर में देखा होगा कि हम अपने कैंपसेस बाहर खोलें, वहां के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए। उन दिनों क्या था, जब नालंदा की बात थी
चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की, दुनिया के हर भाग से लोग यहाँ भारतवर्ष में पढ़ने आते थे। नालंदा जो है वो एंशियंट पीरियड का, प्राचीन समय का जो मॉडल है विश्वविद्यालय का, उस विश्वविद्यालय की परिकल्पना आज हम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। अब जब मॉडर्न यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट आया, और कब, 600 वर्षों के बाद, जब नालंदा को समाप्त कर दिया गया और बोलोनिया इटली में एक विश्वविद्यालय बना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली 1088 में, उसके 7069 वर्षों बाद हमने मॉडर्न यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की, बॉम्बे, कैलकटा, मद्रास, और चौथा हम दोनों जहां से पढ़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और जब वहां पढ़ाई शुरू हुई तो हम लोगों ने जो उस समय इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना 1902 में, या इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बना 1904 में, तो इलाहाबाद की ही बात हम करते हैं, पहले वो कभी स्टेट रहा था, तो उसके बाद फिर सेंट्रल बना, फिर से री इनकॉर्पोरेट हो गया और फिर से सेंट्रल बन गए। इसी में हम लोग ऑसिलेट करते रहे कि और कहां जाना चाहिए वो भूल गए शायद। ये एक दूसरी विडंबना है जिसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना है। एक कॉन्सेप्ट आया मोनो यूनिवर्सिटी का। मोनो यूनिवर्सिटी का मतलब कि लॉ कॉलेज चल रहा है उसको लॉ यूनिवर्सिटी बना दो, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है कॉलेज चल रहा है उसको एजुकेशन यूनिवर्सिटी बना दो। हम ये नहीं कह रहे कि संस्कृत है तो उसको संस्कृत यूनिवर्सिटी करके आपने उसको उसकी गरिमा के साथ में, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में जो उसका बहुविषयक आयाम था उसको आपको लाना है, जो यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे होंगे, इस ग्राफ में हमने पिछली बार हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी पोखरियाल जी निशंक जी थे, उनके सामने हमने ये बात रखी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबसे अधिक संख्या, और अधिक संख्या 11,000 से ज्यादा कॉलेजेस जहां पर बच्चों की संख्या 200 या उससे कम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमारे पास शिक्षक होने चाहिए लगभग 100 के ऊपर, विद्यार्थी होने चाहिए 2000 के आसपास, और 5 या 6 विषय पढ़ाए जाने चाहिए। यह आप नीचे जो लाइन देख रहे हैं डंडे की तरह, ये कुल 1043 विश्वविद्यालय और करीब करीब 42,000 के आसपास कॉलेजेस, उसमें से कुल 741 विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि उस मानक पर खड़े उतरते हैं, यानी कि वहां पर शिक्षक की संख्या, शिक्षणार्थी की संख्या, विभागों की संख्या, वो सब मोनो यूनिवर्सिटी की तरफ है। और उसका जो दुष्परिणाम है वो ये है कि डिस्कनेक्ट, फ्रेगमेंटेड, विखंडीकृत शैक्षणिक शैक्षणिक व्यवस्था। अगर हम गलती से किसी ट्रेन में बैठ गए तो हम ले जाकर के वो इलाहाबाद से चले गए दिल्ली में उतार के पटके, कि उसके बीच में कोई रास्ता नहीं कि अगर हम भागना भी चाहें कहीं से उतर करके नहीं जा सकते, और उस दौरान हम आसपास देख भी नहीं सकते कि क्या घट रहा है, कैसे हम अपने ज्ञान को और आगे परिवर्धित करें, उसकी भी संभावना नहीं है। और ये सब तो चिंता हम लोगों के पास है ही है, GER की जो कैसे पीछे चल रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स कंट्रीज को देख लीजिए, चाहे वो आप रशिया को देख लीजिए, ब्राजील को देख लीजिए, हम लोग कहां पर हैं, एक दूसरी चिंता है। और उसमें भी जो SC है, ST है, या उनकी जो, या महिलाएं उनमें वो कहां पर है, उनकी स्थिति GER के टर्म्स में, वो भी एक चिंताजनक। तो जहां तक एक्सेस का प्रश्न है, इक्विटी का प्रश्न है, सबके साथ में जाना, वो एक दूसरी समस्या आपके समक्ष है। फिर ये जो दिख रहा था, हम लोग जो NAC की बात कर रहे हैं, NAC भयाक्रांत है कि NAC होगा, 80% तो NAC से क्रेडिट ही नहीं है, बाहर आगे नहीं आना चाहते। अगर आप मैनेजमेंट के टाइप को देख लीजिए तो सबसे अधिक प्राइवेट कॉलेजेस आ चुके हैं फंड पब्लिक फंडेड के कंपैरिजन में। ये सब चीजें, ये विषमताएं हैं, विषमताओं के साथ साथ विषमताएं, कई प्रकार की विषमताएं हैं जिनके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने चिंता व्यक्त की है कि किस प्रकार इन पर हम लोग अपने कार्यक्रमों के द्वारा क्रियान्वित करके उन कार्यक्रमों को, इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये फंडिंग को लेकर के इसके बारे में हम बात नहीं करते। अब आ जाइए, हमने कहा था कि एक मोनोलिथिक डेवलपमेंट हुआ, इसको आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि ये जो वैश्वीकरण हुआ, जो कंपटीशन आया, जो लोग नवाचार आया, उसके कंटेक्स्ट में जो 21वीं शताब्दी थी उसको हम कहते हैं कि ये ज्ञान का की शताब्दी थी। और ज्ञान की शताब्दी अच्छी बात है, ज्ञान की शताब्दी थी, लेकिन
साथ ही साथ अगर 20वीं शताब्दी में जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों का समाधान भी हुआ, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो आपका आपके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हो, वो सब टेक्नोलॉजी से आया। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका जो दुष्परिणाम है वो आपके सामने कहीं ज्यादा भयावह है। अब हमको क्या करना चाहिए कि जो हमने विज्ञान में जो प्रगति की, वो अगर वो दुष्परिणाम उसके दिख रहे हैं तो किस प्रकार हम उसको उसका समाधान ढूंढें। उसका कारण क्या था कि जो विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण हमको पीछे रख दिया कि दार्शनिक चिंतन पीछे हट जाइए, आप प्राच्य विद्या हट जाइए, और विज्ञान का जो डेवलपमेंट पिछले 300 वर्षों में एक पीक की तरह दिखाई पड़ता है, एक पहाड़ की तरह दिखाई पड़ता है, वो इंसुलर है, एक दूसरे को साथ लेके नहीं चलता, बताता नहीं है कि हमने क्या किया, उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या है। तो मोनोलिथिक है, यूनिटरी है, और अगर हम ऐसे देखें कि कितना पैसा बैंक में जमा करते हैं, कितने दिनों में बड़ा हो जाएगा, आजकल वो सिलिकॉन वैली बैंक का चक्कर चल रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर 5% या 7% ब्याज मिल रहा हो, तो 7% ब्याज के साथ में हर 10 या 15 साल पर आपका धन जो है वो दुगना हो जाता है। तो विज्ञान की प्रगति भी लगभग 7% प्रतिवर्ष के अनुसार हुई। तो 300 वर्षों में, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 10-10 साल में अगर वो दुगना हो रहा है, तो 300 वर्षों में मिलियन टाइम्स ज्यादा विज्ञान में प्रगति हुई। और ये प्रगति किसके सापेक्ष है? सोसाइटल इवोल्यूशन, जो सामाजिक जो विकास हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ, उस 10,000 के कालखंड में 300 वर्ष का एक कालखंड ऐसा है जो कि पीक की तरह दिखाई पड़ता है। और इसका दुष्परिणाम अगर हम दिखाएं, तो दुष्परिणाम में आप एनर्जी देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, और अभी हाल में आपने सबने जोशीमठ के बारे में सुना होगा, आप नाम गिनाइए और हम उन आपदाओं के बारे में आप ले जाएंगे, आप देख सकते हैं वहां पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जानने वाले और नहीं जानने वालों के बीच खाई बढ़ी, और जब खाई बढ़ेगी नॉलेज डिवाइड होगा, तो फिर क्या होगा, लोग ट्रबल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, जहां पर मारकाट शुरू होगा। एक ग्रुप है जो हैव्स का है, एक ग्रुप है जो हैव नॉट्स का है। अब इन दोनों ग्रुप के बीच में निश्चित रूप से खाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा समस्याएं होंगी। साथ ही साथ हमारे पास एक मोबाइल है तो हमने 2 मोबाइल रखे, एक मकान है 2 मकान, मतलब एक हो लग गई कि कितना ज्यादा हम कंज्यूमरिज्म की तरफ भागे। और परिभाषा भी हमने कर दी कि ये रिलीजन है तो ये धर्म है, धर्म को हम बिना समझे हुए रिलीजन समझने लगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने अप्रत्याशित रूप से अपने कंजम्पशन को बढ़ा दिया। किसके भरोसे? यही जो अर्थ है ना, जिसको हम मानते हैं कि इसी से संपदा मिल रही, उस संपदा का दोहन इतना किया कि इस प्लेनेट ही एक खतरे में पड़ गया और चिंतित हो गया कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये सब आप बताने की जरूरत नहीं है, हमारी मुलाकात पांडे जी से हुई थी बनारस में, जब वो गए थे एक कार्यक्रम में, स्नान करने चले जाइए नदी में, नदियों की हालत, केवल गंगा नहीं है, गंगा तो चूंकि हम लोग मानते हैं कि ये ऐसी नदी है जहां पर ग्लेशियर से निकल के आ रही है, और उसकी हालत कानपुर से बदलने लगती है, और बदलते बदलते वो किस हालत में पहुंच जाती है, ये एक सामान्य सा चित्र है। और इस सामान्य चित्र के बाद जब हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो भी आप देखते होंगे गैस चैम्बर बन गया, मुंह में कपड़े बांध करके पराली जल रही है, कहीं पर पराली कहां से आ रही है। जब हमने शुरू में देखा था तो वहां पर कटाई के लिए कटैया जब होती थी तो लोग आके जब पूरा पौधा काटते थे, डंठल बनाते थे, डंठल बना करके 10 बोझा बनाया तो एक बोझा उसका पारिश्रमिक हो गया। उसके बाद जानवर से या फिर उसकी दवाई करके आप उससे अनाज अलग करते थे, फिर आप उसको हवा चल रही है नहीं तो कोई पंखा चल रहा है जिससे कि आप उसको अनाज अलग करते थे। अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि ऊपर की बाली काट ली फटाफट, सारे 10 एकड़ में आपने अनाज निकाल लिया और पौधा छोड़ दिया। किसान क्या करेगा? किसान को अगली फसल बोनी है तो वो जलाएगा, और जलाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा आप सब लोग देख रहे हैं। ये सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ, और अभी तो कुछ दिनों पहले एक छठ पर्व हुआ था तो उसमें अचानक झागासुर प्रकट हो गए थे। झागासुर का मतलब ये था कि पानी इतना गंदा कि उसमें महिलाएं जब जाकर के अर्घ्य दे रही है तो वहां पर
ये इलाहाबाद का ही सर, ये दिल्ली का ही है, ये यमुना का, यमुना की हालत है ये। और दूसरी बात, आप बीमारियों का ले लीजिए, फिर जिनको हम कहते हैं ना कि अपने अपने तो जा ही रहे हैं, साथ में जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही है, बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है। अब जब हम लोग पढ़ने जाते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो सेंटीपीड आता था, वो जिसको हम लोग बोलते ना, उसके 20-20 पैर वाले, पानी बरसा नहीं की। अब जाके देखिए कहाँ यहाँ सेंटीपीड दिखता है क्या, तितलियां दिखती है क्या, कई प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। अब ये पूछा जाए कि हमको उससे क्या मतलब, वो उसका समय आया चला गया, नहीं। अगर प्रजातियां लुप्त हो रही हैं इसका मतलब कि खतरे की घंटी है, और वहां से शुरू हुआ है और अब आप तक भी आएगा। तो ये सब चीजें क्यों है, क्योंकि विज्ञान का जो इंसुलर जो डेवलपमेंट हुआ, हमने अपने को दूर रखा और ये कहा गया कि अब आपके काम का नहीं, आप तो अपना कुछ और पढ़िए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुविषयक जो मल्टीडिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट आया, जो आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसके उसके जो कनेक्ट्स हैं वो आपको वहां दिखाई पड़ रहे हैं। और ये कनेक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने जोड़ रखा है अपने आप को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। जितनी चिंताएं हैं इसमें कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, सभी लोग स्वस्थ रहें, सबको उच्च क्वालिटी एजुकेशन मिले, हमारे समाज में कभी जेंडर इक्वलिटी जैसी कोई बात कभी थी नहीं, आज जेंडर इक्वलिटी, जेंडर को हमको आगे लेके चलना पड़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी पड़ रही है, क्लीन वाटर, पीने का पानी, आने वाले दिनों में सबसे बड़ा संकट पीने का पानी नहीं होगा आपके पास, कितने दिन आप वाटर बॉटल से आप उसका इस्तेमाल करके पिएंगे, कहां से लाएंगे पानी। ये हो गया अनफिनिश सोशल डेवलपमेंट गोल्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स में क्लीन एनर्जी, अभी भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी तक नहीं पहुंचे हैं, सोलर एनर्जी की अपनी सीमाएं हैं, जो आप फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं वो खत्म होने जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने अभी आपके चिंता व्यक्त की कि कौन फड़ाम हो गया, कौन आगे बढ़ गया, किसके भरोसे चला गया, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इनइक्वलिटी, असमानता दूर करना, उसके बाद जो सिटीज हैं उनको सस्टेनेबल बनाना। पहले गांव सस्टेनेबल होते थे, गांव के पास में एक पोखरा होता था, अब सब पोखरा लोगों ने कब्जा करके मकान बना लिया, तो जो कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी का उस समय था वो अब धीरे धीरे क्षीण हो गया। अब उसी प्रकार की अगर हम शहरों की परिकल्पना कर रहे हैं तो भी एक चिंता की बात है। इसी प्रकार एनवायरमेंटल, हम लोग कहते हैं ना कि हम अपने घर के पीछे पिछवाड़ा जो है उसको अगर हम ध्यान रखें, अच्छे से साफ सुथरा करें, तो समुद्र साफ रहेगा। छोटी सी बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर के पीछे कुछ जो आपने कूड़ा फेंका वो धीरे धीरे बह करके नदियों से होते हुए समुद्र और समुद्र चले जाइए, वहां की भी हालत आप देख के आइए। तो अगर हम लोग जो लाइफ बिलो वाटर है, पानी के अंदर, वो तो बेचारे, उनको तो बेचारे रहने दिया जाए, उनको तो रह काम करने दिया जाए, वो कहाँ जा रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन को लेकर के COP 22 आपने सबने देखा होगा कि चिंता व्यक्त की जा रही है। और बात हम करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स में जब तक ये राइट्स जो हमने आपको दिखाए, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स, ये तीन, समाज उखड़ा, गांव से लोग आकर के दिहाड़ी पर पेट पालने लगे, न संस्कृति बची, न परिवार से जुड़ाव बचा, न उनका परिवार के साथ कनेक्ट बचा, न वो किसी के मुख्य धारा से विलक हो गए, ये फिर आपके अधिकार कहाँ गए। तो ये अधिकार, जब तक ये तीन अधिकार आपके नहीं है तब तक बाकी लड़ते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत तेजी से औद्योगिक क्रांतियां, और औद्योगिक क्रांति का भी जो पीक है वो भी शिफ्ट हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखाएं, 1830 में फैराडे ने बिजली के बारे में बात की कि ऐसे बिजली पैदा की जा सकती है। 50 वर्ष लगे थे बिजली पैदा करने में और बिजली लोगों को पहुंचाने में, लेकिन किसी ने उनसे पूछा कि ये सब क्यों है, इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि हम ये बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर आप टैक्स लगाएंगे। ये फैराडे को उस समय समझ आया था कि इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस पर सरकारें चलेंगी, टैक्स भी वसूला जा सकता है। उनको ये नहीं पता था कि सरकारें बदलेंगी भी, बिजली का फ्री कर दीजिए आप पंजाब जीत लीजिए, बिजली आप फ्री कर दीजिए आप ले जाइए, ये फैराडे को नहीं पता था। 50 वर्ष का जो अंतराल था वो घट करके जब डीएनए का वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया तो उसको 20 साल लगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बदलने में, और अभी हाल में 1991 में जब कार्बन नैनोट्यूब बना तो 10 वर्ष में वो सर्किट में आ गया। इसका मतलब ये हुआ,
कि जो नॉलेज हमने 5000 वर्षों में जो होना चाहिए वो 30 साल में ही उससे ज्यादा हमने नॉलेज जनरेट कर दिया। और ये रिवॉल्यूशन का एक आपको एक क्यों हमको अपने बच्चों को इस प्रकार तैयार करना है, बच्चों का मतलब हम जिस पीढ़ी के हैं, बच्चे हमारे यंग जनरेशन के हैं, हमारे बीच में जनरेशन गैप है। आप देखते होंगे आप भी टेक सेवी हो गए हैं, जब से बच्चे विदेश चले गए तब से आप जूम कर लेते हैं, जब से कोविड आया तब से बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन हमको बात करना होता तो हम एक बटन से अपना मोबाइल चलाते हैं, बच्चे चार दोनों तीनों चारों उंगली से चलाते हैं। वो टेक सेवी है, जनरेशन गैप है, उनके फिंगर टिप्स पर सब कुछ उपलब्ध है। आप अभी हम बात कर रहे हैं वो तुरंत बैठ के खोज करके देख लेंगे गूगल में किस पेज पर क्या है। हम प्रासंगिक कैसे बने रह सकते हैं शिक्षण में, जब सबके पास सब कुछ उपलब्ध है तो मेरी महत्ता क्या है, मेरी उपयोगिता क्या है। और तेजी से बदलता हुआ परिदृश्य, जो 18वीं शताब्दी के आखिर में जो आपके पास जेम्स वॉट का इंजन आया, फिर बिगिनिंग ऑफ जो 19th सेंचुरी था उस समय आपने इसको इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया, उसके बाद 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के पहले, और जो आज में इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं वो 4.0 50 साल नहीं रहेगा, हो सकता है कि 20 साल के अंदर ही वो पीक दे करके दूसरा डिस्ट्रक्शन दे जाए, जिसमें कि हम अपने बच्चों को उस लायक अगर नहीं तैयार करेंगे तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी। इस पर भी चिंता कर सकते हैं कि हम क्यों उनको एम्प्लॉयबिल के ही बारे में सोचें, तो उस वो अलग बात हो गई। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम डोमेन का श्रिंक करना और साथ ही साथ प्रसार, जब टेलीफोन का कनेक्शन आया 75 साल लगे 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने में, और जब मुझे लेक्चरशिप मिली तो हमने भी सोचा कि टेलीफोन लग जाए बेसिक, अप्लाई कर दिया तो वहां नॉन ओआईटी होता था तो उसमें लगा कि 10 साल बाद मिलेगा। तो उन दिनों संचार मंत्री जी का विजिट था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, तो हमने कहा साहब एक टेलीफोन चाहिए, उन्होंने उसी पर लिख दिया ओओटी आउट ऑफ टर्न, 6 महीने के अंदर टेलीफोन लग गया। लेकिन 75 वर्ष लगे 100 मिलियन तक पहुंचने में, और आज के समय में क्या होता है कि कोई चीज बनती है कितने कम समय में ढेर सारे लोगों तक पहुंच सके, ये दूसरी चुनौती हमारे बच्चों के सामने जिनके लिए हमको उनको तैयार करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बदल रही हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पता चला कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हम लोग बच्चों को सिखाते भी नहीं है कि जो फेल्योर है ये ट्रांजिएंट है, और फेल्योर कैसे सीखेगा, वो गेम्स स्पोर्ट्स सब तो हट गया। कम से कम हम लोग जब खेलते हैं रोज चार बार चार मैच खेलते हैं तो चार मैच में तीन बार हारते हैं तो अगली बार सोचते हैं कि कल इनको हराएंगे। जब आप गेम्स नहीं रखेंगे पाठ्यक्रम में, स्पोर्ट्स कोई बच्चा नहीं खेलेगा तो उसको तो यही है कि रटना है पास होना है, अगर फेल हो गए तो हमेशा के लिए जिंदगी से फेल हो गए। और ये संख्या आपके पास अगर पहुंच रही हो तो ठीक बात है, नहीं तो आप देखिए तो ये बहुत ही तेजी से हताशा निराशा जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन, ये तो लाइफ स्किल्स के साथ में और उसकी चिंता हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। तो ये कहना कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अगर हम लोग साथ बैठ के कि कौन कौन से उपाय होने चाहिए जिससे कि हम लोग अपने को मतलब कि किसी एक जैकेट में जबरदस्ती ऐसी जगह नहीं घुसे जहां पर कुर्ता छोटा हो और हम अपने उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, अपने अनुसार अपना बुशर्ट कुर्ता बनाए और उसमें पहन करके सुसभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति लगे, ये हमारे इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हम एक आपको एक और चिंता दिखाते हैं, अभी तक जो प्रश्न पत्र हम लोग पूछते थे उसमें से बांट देते थे कि ये नॉलेज वाला है, लिखते थे कि आप उनके बारे में लिखिए, यानी कि अगर व्याकरण ही पूछ रहे हैं तो व्याकरण में कोई संधि के बारे में पूछ लिया, चलिए इसका अकर्ष वर्ण दीर्घ क्या है बताओ। उसके बाद दूसरा उसका अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में क्या है कि अनुप्रयोग में हमने आप बता दिया कि ये दिया इसका संधि विच्छेद करो बताओ कौन सी संधि है। तीसरा अधिकतम क्या होगा कि उसमें आप अंडरस्टैंडिंग कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ मिला हुआ ऐसा शब्द दे दे जिसमें कि दो प्रकार की संधियां लगे कि आपस में मिल रही, अब उसको पहचानो, अगर आपकी समझ है तब आप उस प्रकार का भेद बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। ये लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज थी। हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज में जहां इतना स्ट्रक्चर्ड आपके पास ग्रामर था,
उतना स्ट्रक्चर्ड ग्रामर तो आपके कंप्यूटर की भाषा नहीं है। लाई अलजेब्रा जो संस्कृत से मिलता जुलता है वो बहुत निकट है जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग का भाषा बन सकता था, उसके बारे में हमने चिंता नहीं। ये हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी से आता अगर हम लोग आगे आते और उसके बारे में चिंता करते और उसको कर सकते। हायर लेवल में एनालाइजिंग, क्रिएट, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। सर समय बताइएगा क्योंकि कभी कभी समय का ध्यान नहीं रहता। तो हम लोग जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो लर्निंग आउटकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो 9th और 10th का दोनों का मिला करके 10th के बोर्ड की परीक्षा, कौन कितना ज्यादा मस्तिष्क में लोड लेके चल सकता है, हिले डुल्ले से गिरे नहीं उसका जो पढ़ा है उसने, वो टॉप करता था। वो कहलाता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप यूनिट पढ़ाइए, पढ़ाते समय उसकी परीक्षा लेते चले जाइए, जैसे कि मेडिकल में पढ़ाई होती। और संस्कृत में बहुत अच्छी बात है कि हमने ये कहा कि भाई सीखना हो तो इसी तरह से सीखो, इसमें ये नहीं कि इसमें इफ एंड बट नहीं लगेगा। और इसी कारण है कि संस्कृत अभी भी अपने प्रामाणिक रूप में उच्चारण सहित जीवित है। अगर हमने भी उसके साथ समझौता किया होता तो कहीं वो इंग्लिश टाइप का कुछ हो गया होता। लेकिन उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो समेटिव असेसमेंट होता, हमने कोशिश की थी संस्कृत भारती के साथ, हमारे झांसी में कुछ लोग थे, उन्होंने प्रकाश झाक रोज आते थे, हमसे संस्कृत में बात करते थे। तो हमने भी एक बार व्याख्यान हुआ तो तैयारी करके गए और संस्कृत में बात की, लेकिन वो उसी तक सीमित था, उसके बाद प्रवाह में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर भाषा है 3-4 में और जहां देखा अपने ऑडियंस को उसके अनुसार अपने आप को, जो सबसे सुगम होता है वो गांव घर में जाएंगे, भोजपुरी में चले गए तो वहां पर तुरंत स्वाभाविक रूप से भोजपुरी निकलने, भाषा के साथ विशेषता है। अब यहाँ जो है, अब इम्पोर्टेंट बात है, जब आप भी कुलपति हैं, रहे होंगे, आपने देखा होगा, अगर अच्छी समझ है तो फेल होने की संभावना क्या है? कैसा भी प्रश्न पत्र हम पूछ दें तो हमारे बारे में कहा जाता था कि इनका प्रश्न पत्र बहुत कठिन बनाते हैं। इलाहाबाद के बारे में कहा जाता था कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, ऐसे लोग कहते थे। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा बनता है, और क्वेश्चन पेपर तब बनता था जबकि वो हमने पहले पूछा है, यूपीएससी में बाद में आता था। यानी कि ऐसे प्रश्न हम लोग गढ़ करके वहां रखते थे जिसमें कि वो हिल जाए, और परीक्षा देके निकलते थे तो टीचर्स रास्ते में अगर मिल गए, ओ सुनो सुनो हमने वो वाला सवाल किया, वो वाला प्रश्न किया, उनको ये लगता था कि ये समझ ही नहीं पाया होगा कि ये प्रश्न हमने जो पूछा है कौन सा वाला प्रश्न था। तो पूछते कि हाँ हाँ सर वो हैमिल्टन केले हैमिल्टन, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देन उतना ही से इंप्रेशन ये हो गया कि ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, अच्छा जानता है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है, अगर आप पुअर अंडरस्टैंडिंग है, फेल करेंगे, ठीक भी कुछ कुछ लोग तो फेल करेंगे ही करेंगे, तुक्का नहीं चलेगा, मतलब सिस्टम के, सॉरी सर परीक्षा नियंत्रक महोदय जी बैठे हैं यहाँ पर, तो कॉपी जब दस्ती है पैसे दस्ती है तो उसका भी कुछ लोग फायदा उठाने जाते हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग, इम्तहान पास कर जाए उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। सबसे कठिनाई कहाँ होती है, यहाँ है, आता जाता, सॉरी नॉट टू से दैट वे, पुअर अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद भी सर्टिफिकेट डिग्री लेकर के हमारे समक्ष कुलपति लोग दीक्षांत समारोह में दीक्षा के बाद उपाधि से अलंकरण करते हैं, कहीं कठिनाई है। और इसी के लिए फिर हमारी चिंता है कि आउटकम बेस्ड लर्निंग, कि कम से कम आप जो हमारे यहाँ कहावत है ना कि पूरी रामायण खत्म हो गई पता ही नहीं कि ये पात्र कौन था, ये स्थिति कई बार ऐसा होता है कि हम पूछ रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ के आए हो, एक्सरे पढ़ा है आपने, तो एक्सरे क्या है, कौन सी वेव है, नहीं पढ़ा, पढ़ा ही नहीं, कहाँ पता है क्या। तो अब ये कठिनाई जो है, तो अब हम लोगों का जो बैकड्रॉप है जो शिक्षा नीति के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे जीवन में जो अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को किस तरह से संचित करें। तो आपने देखा होगा शुरू के 4 वर्ष जो NSQF की बात हम करते हैं कि वो स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क है, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी हमने दूसरे तरीके से किया है कि उन दिनों क्यों रटवाए कि कैसे कबूतर, कैसे और कुछ नहीं हो सकता, होता है लेकिन वो कैसे कबूतर ही जिंदगी भर याद रखता है बच्चा। तो शुरू का समय होता है जिस समय आप अपने संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उनको आपको उनका अभिवृद्धि के लिए प्रयास करें। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की बात करिए, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपने पढ़ के IAS कर लिया और आप ट्रेन लेके जाते हैं रस्ते में लड़क करके गिर पड़ते हैं, आपके पास माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही नहीं, केवल आपने बैठ करके कुछ चीजें
रटा, कुछ किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि लाइफ एक्सपीरियंस को किस प्रकार से अपने शिक्षण का हिस्सा बनाएं। और दूसरी बात हमने आपसे कहा कि जो यंग जनरेशन आ रहा है, और तीसरी इसमें कठिनाई क्या है कि हमारे और उसके बीच में जनरेशन गैप है, वो बच्चा हमसे ज्यादा, उसके टिप्स पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, और हम दोनों लोग मिलकर क्या तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए हम अपने बच्चा तैयार करना। हमको पता है भविष्य के बारे में, ना बच्चे को पता है, बच्चे और हमारे में इतना ज्यादा गैप है, एंड वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू नो समथिंग विच इज नॉट देयर। मतलब भविष्य के गर्भ में जो चीजें हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसके बारे में उस बच्चे को तैयार करना है, ये चुनौती, यही शिक्षक की चुनौती है, जिस चुनौती को हम लोग देखना चाहते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ बात है जिसके लिए, ये कुछ ऐसी सी चीजें जो बीच में स्लाइड्स आ रही हैं, हमने कुछ गाइडलाइंस बनाए, कुछ रेगुलेशंस की बात की, उनमें एक है हमारे शिक्षण में जब आपने टॉप कर दिया या यूजीसी ने कह दिया कि आपको आपके पास नेट क्वालिफाइड है, लेक्चरर बन जाइए, पीएचडी कर लिए, लेक्चरर बन जाइए, एक अच्छा रिसर्चर, अच्छा टीचर होगा, कहाँ लिखा है। अब जब बरसती किसी को हमने क्लास में घुसेड़ दिया, और वो बेचारा पहले तो बेचारा इसलिए सेंस में कि हमने कई लोगों को देखा कि डर के कि सर वो आज क्लास है हमारी, जाओ पढ़ के जाओ, बोले एक जगह हमको नहीं आता कोई पूछ ले, वो डर बना रहता, वो जब निकल के आता बहुत खुशी, अरे वाह आज जान बच गई, उसने पूछा, वो पूछा नहीं किसी ने। ट्रेनिंग हमारे लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है टीचर्स की, वो हमारे इस शिक्षण में खास करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये इसका सर्वथा अभाव है। किसी भी सर्विसेज में जाइए आप, तो सबसे पहले आपको, चाहे वो पुलिस में जाइए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, चाहे आप रेवेन्यू में जाइए, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आप निष्णात घोषित किए जाएंगे, तब आप जॉब में जाएंगे। यहाँ क्या है, पढ़ने के बाद सीधे आप क्लास में चले गए, पढ़ाना, शिक्षण पद्धति के बारे में जानना, ढेर सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करना, और एक साथ कनेक्ट करने का जो हम लोग ऐसा एंसाम्बल लेते हैं कि जो मीडियाकर है उसको टारगेट करके, जो स्लो लर्नर है वो छूटा, जो सबसे बुद्धिमान बच्चा है वो क्या पढ़ा रहे हैं, उस नैया को हम लोग खेते हैं। तो इसलिए कई चरण हम लोगों ने खोजे कि जब आप आते हैं तो कैसे आपको मेंटरिंग चाहिए, जो हमारे यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, उस नए शिक्षक को मेंटर के तौर पर, जैसे मेंटर मेंटी का कॉन्सेप्ट शिक्षक उसमें है बच्चों में, वैसे ही टीचर और बच्चों के साथ में, वही एक सीनियर टीचर के साथ में लगा दीजिए। हमने अपने यहाँ प्रयास किया, कहाँ बैठना है, कौन सी लाइब्रेरी में जाना है, किससे कौन सा संदर्भ ग्रंथ लेना है, कैसे वो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग जूझते हैं, वो फिर जो हमारा 20 साल का अनुभव है वो हम आपको, आपका उंगली पकड़ के हम आपको विवेकानंद की तरह, रामकृष्ण ने जैसे इलेक्ट्रीफाई किया था, हम आपको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। वो जो अनुभूति होगी वो अनुभूति आपको कहीं नहीं मिल सकती, आपको किताबें नहीं मिल सकती, जो आपको पढ़ के आपने कहीं से प्राप्त किया है, इस प्रकार की एक व्यवस्था। उसके बाद आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़ने के साथ साथ शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे हम क्लास को एंगेज करें, क्या क्या कठिनाइयां हैं, जो संज्ञानात्मक बाधाएं हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैं बच्चों के बीच में, उन बच्चों की समस्या, हम तो इस एंड पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद शुरू हो गए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कोई चिंता नहीं। और जब HRDC प्रारंभ हुए तो HRDC में बहुत बड़े बड़े विद्वान बुलाए जाते थे व्याख्यान के लिए, और उधर उस साइड में सब टीचर्स होते थे, तो ये पूछा जाता इसका क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ये देखो कि इतना बड़ा विद्वान आपके पास आया हुआ है और आप इस साइड में बैठ के देख रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब आप उस तरफ होते थे तो क्या होता था, केवल इतना ही अगर सीख लिया जाए उस HRDC में पाठ्यक्रम के द्वारा, तब भी हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं कि हम किस प्रकार से किसी को सेल्फ रिलायंट बना दें, और एक DHU में एक राधा कृष्णन जी के बारे में है कि जब वो क्लास में पढ़ाते थे उन दिनों, तो क्लास में लगता था जैसे कि उन दिनों तो 1000 वाट का बल्ब नहीं होता था, वो 20 वाट 40 वाट का बल्ब चलता था। लोग कहते थे कि ये जब पढ़ाते हैं तो 1000 वाट का बल्ब जलता है। तो एक शिक्षक जब वो शिक्षक तब होगा जबकि केवल अपनी विधा से हट करके दूसरी विधाओं के बीच में इंटरकनेक्ट ढूंढेगा, उसको शिक्षण पद्धति पता होगी, उसके बाद आपको भविष्य के लिए तैयार करेगा, और ये सारे जब सारी चीजें उसके अंदर होंगी तब वो एक लगेगा कि जैसे कि एक ल्यूमिनेसेंट, एक प्रदीप्त के तौर पर उस
सभागार में उपस्थित है, जिसका कि जिसका अनुसरण, जिसका लोग कॉपी करके रोल मॉडल के तौर पर उस बच्चे उसको सीखना चाहेंगे, ये हमारे पास होनी चाहिए। तो इतना बैकग्राउंड सर बताने के बाद हम बस केवल ये कुछ लाइंस आपके सामने पढ़ेंगे। ये लाइंस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कही है, और अब आपको कनेक्ट करना है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय के विषय संदर्भ में कैसे है। हमने होलिस्टिक की बात की है, फ्यूचरिस्टिक की बात की है, फ्लेक्सिबल रखा है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि लचीलापन हो, कि हमने किसी को जबरदस्ती जैकेट में डाल दिया, वो न भाग पा रहा है, न दौड़ पा रहा है, न खड़ा रह पा रहा है, जब चाहे वो। तो एक रेगुलेशन हमने बनाया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के लिए, वो आपके समक्ष है। क्यों? क्योंकि जो चिंताएं हमने व्यक्त की एक्सेस को लेकर के, कि सबके लिए सर्व सुलभ नहीं है, समानता के आधार पर सबको उपलब्ध नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि 80% प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं समाज अपने HEI में, और सरकार की रीच भी लिमिटेड है। सरकार चाहे कि अगर सारा कुछ खुद करने लगे तो संभव ही नहीं है, जो कठिनाइयां हैं। अकाउंटेबिलिटी, अगर हमने क्लास में पढ़ाया तो हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, या अगर हम कुलपति के पद पर हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है। साथ में सबसे बड़ी बात गुणवत्ता, जिसके बारे में आप इस वर्कशॉप में प्रत्यायन और मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो आज हम उसके बारे में चिंता उस पर नहीं करेंगे। कल आप बुलाएंगे तो कल हम आपके पास पुनः आएंगे कि किस तरह से एक्रेडिटेशन असेसमेंट का प्रोसेस है, कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जिनको कि आज बेंचमार्क के तौर पर आपको सीखना है, और किस तरह से अपने उन बेंचमार्क्स को अटेन करना है कि आप जो भी आप चाहते हो A+ पा सके। उसके लिए भी लड़ना पड़ा, वो छिपा हुआ रखा था, कुछ लोगों को उपलब्ध था, कंसल्टेंट्स ला के बताते थे, जब उनको आप बुलाइए कि सर आप बता दीजिए, तो लड़ाई लड़ने के बाद कि साहब उसको पब्लिक करिए, पब्लिक करने के बाद उसमें दूसरी कठिनाई आई कि हम लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में हम कोई चीज तुरंत सर्टिफिकेट बना करके कागज पूरा नहीं कर देंगे, लेकिन प्राइवेट में A++ पाने के लिए सारी चीजें तुरंत बना के कागज ले आते हैं। उसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने से अखबार में, और हमारे ECE के जो चेयरमैन थे उनको उन्होंने भी त्यागपत्र दिया, तो वो विसंगतियां हैं। विसंगतियों के अलावा, लेकिन नेक्स्ट से जो सीखना है वो क्या क्या चीजें हैं वो 2-4 स्लाइड में हम खत्म करेंगे। हम क्यों चाहते हैं ये कि हमारे पास एक्सेस हो, इक्विटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, क्वालिटी हो, किसके द्वारा? जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें, होलिस्टिक की बात करें, फ्यूचरिस्टिक की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी लाते सिस्टम में, इसलिए क्योंकि जो हमारा बच्चा पढ़ के निकले वो एक थॉटफुल ऑलराउंड, सब कुछ उसको समझ में आए, क्रिएटिव इंडिविजुअल हो। और क्यों? क्योंकि वो केवल रटा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो दूसरे एंड पर हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी पर पहुंचा हुआ है, जो क्रिएट कर सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, और सबका सद्भाव संभाव की बात हो, सबके प्रति आदर की बात हो, चाहे वो जीव जंतु हो। विज्ञान की, जो हम बुराई मत मानिएगा, विज्ञान की बात यह कि हमने मान लिया कि विज्ञान तो सब कुछ कर देगा, उसके कारण जो आपको हमने हालत दिखाई एनवायरनमेंट की, वो विज्ञान के ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विज्ञान से ज्यादा जो ये गैप था, जो समाज में लोग उसको समझ नहीं पाए, जो उसका दोहन शुरू हुआ, वो इंपॉर्टेंट था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको यहाँ पर बता देंगे, जो चैप्टर वाइज हैं। तो एक तो ये कि स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट, आई हैव रेफर्ड दैट, हमको ये बच्चों की जो यूनिक विशेषताएं हैं उनको पहचानना है। और जैसे कि 1:5 था, जैसे किसी समय में अगर अर्जुन को सिखाया गया किसी काम के लिए, तो उस प्रकार के इसका अनर्थ कुतर्क न किया जाए, क्योंकि अभी तुरंत दूसरी तरीके से इसका विश्लेषण शुरू होगा। लेकिन जिसकी जो एबिलिटी है, जहां वो अच्छाई से ऊपर जा सकता हो, उसको हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और संसाधन और दिशाओं की कमी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा, अगर हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा फिजिसिस्ट ही बने, हो सकता है उसकी रुचि कहीं और हो, कहीं और उसको हम समझा सकते हैं। तो ये यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, और ये शेखर एक जीवनी, एक सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई व्यक्ति जो है वो कोई टाइप नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं में व्यक्ति है। हमको ये देखना है कि हम कोई टाइप बनाने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो पढ़ के लिए निकलते हैं वो टाइप बनते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये, अगर हम इसी सभागार में कोई जा रहा हो छाते देकर के, उसे कहे छाता वाले, वो तुरंत बुरा मानेगा कि हमको छाता वाले मान लिया। लेकिन उसको नाम से बुलाएं, सम्मान के साथ, क्योंकि वो
टाइप नहीं है, छाता वाला टाइप नहीं है, वो व्यक्ति है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या है कि स्टूडेंट्स का समग्रता के साथ विकास हो और उसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा, ये जो हम लोगों ने बांट रखा है कि संस्कृत, जैसे हमारे सामने एनकाउंटर हम करते हैं अक्सर, कई बार एनकाउंटर करते हैं, आप राष्ट्रीय पंचांग देख लीजिए। राष्ट्रीय पंचांग में सूर्य सिद्धांत के आधार पर पंचांग हम लोगों ने बनाया, और हमने नहीं बनाया, 33, 34, 36 लोग देश में पंचांग आज भी बनाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट थी बात, सूर्य सिद्धांत में उन दिनों प्रेक्षण के आधार पर, हमारी तो लाइफ किसी भी की 100 वर्ष होगी ना, 100 वर्ष में हम कितनी चीजें प्रेक्षण कर लेंगे। अगर पृथ्वी की गति सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की है, एक वर्ष अपने अक्ष पर घूमना है दिन रात, और अक्ष पर टिल्ट होना है, टिल्ट के साथ में ये टिल्टिंग है, टिल्टिंग के साथ में इस अक्ष पर भी ऐसे चक्कर लगाना है, ये हम अपने जीवन काल में अगर हम चाहें प्रेक्षण लेना बिना जाने हुए उन दिनों उस पर्सपेक्टिव में नहीं कर सकते। तो हमने गणना की कि एक वर्ष में कितने दिन होंगे, गणना सटीक थी लेकिन 0.01262 डेज की गलती हो गई, क्योंकि उसमें बाकी मोशंस का ध्यान नहीं रखा गया, और 0.01262 कुछ नहीं होता है। आप भी 100 रुपया है उसमें किसी से 5 रुपए की बात है, 5 रुपए छोड़ चल देते हैं कौन ले, लेकिन 0.01262 100 वर्ष के बाद 22 दिन हो गया, और 22 दिन हो गया तो फिर ऋतुओं के साथ में फेज लैग होना शुरू हो गया। आपके जो पंचांग है, अब ये हम लोग अगर साथ में बैठते, मतलब जो लोग तथाकथित विद्वान वैज्ञानिक बनते हैं और जो उन गणनाओं को समझ सकते हैं, उन एल्गोरिथम को समझ सकते हैं, उन एल्गोरिथम में चेंजेस कर सकते हैं, वो क्रिएटिविटी होती। और इस प्रकार के हजारों ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में वांग्मय में उपस्थित हैं, जिनके बारे में हमने चिंता नहीं की। और अभी किसी को हमने बुलाया था तो वो लगे शुरू हो गए, साहब टीवी खोलिए तो सवेरे से कोई आ जाता है, वो बताने लगता है कि ये आपका दिन ऐसा होगा, आपका रात ऐसी होगी। तो अब दिन होगा रात ऐसी होगी, तो हमने उनसे बताया कि ये बताइए कि ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन है वो क्या है। एक समय में किसी ने इतनी ढेर सारी स्टैटिस्टिक्स, और हमने तमाम ज्योतिषी लोगों से देखा हो कि सब पूरा वो रिकॉर्ड करते हैं आपका जन्म कब हुआ और कब कब कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटी, उस समय कौन से। तो अगर हम फिजिक्स में समझना शुरू करें कि वो कौन सा ग्रह कहाँ हमारे इस पर प्रभाव डालता है, शायद हम नहीं समझा सकेंगे, मेरे पास वो अभी ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकली उन चीजों को देखें तो आप फलित ज्योतिष में कहीं अच्छा बता सकते हैं, बजाय इसकी कि हमने डिस्क्रेडिट कर दिया कि ये तो सब ये है, कि बजाय उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सो देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ जो सेपरेशन बांट दिया कि एक आदमी बड़े का काम कर रहा है, एक आदमी, अब हम अपनी बात करें, हमारे घर के लोग पुरोहिती छोड़ करके भागे पढ़ने पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो कहा जाता था ये तो कथावाचक है। कथावाचक है, लेकिन कौन सी कठिनाई है जो कथावाचक में हम नहीं कर सकते थे, लेकिन कथावाचक है, साथ में हमारा जो पारिश्रमिक था वो भी 20 आने से ज्यादा रिवाइज ही नहीं हुआ कभी। तो जो वोकेशन वाला पार्ट था, और वोकेशन के साथ में जो एकेडमिक्स की बात थी, उन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हम अगर पढ़ा रहे हैं कहीं पर, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो साथ में अगर कुछ वोकेशनल हमारे पास स्किल है तो उस स्किल का उपयोग करें। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया कि बिना समझे अगर कोई चीज हम करते हैं तो उसका करने का कोई अर्थ नहीं है। तो शिक्षण पद्धति में, विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इस पर बहुत ही एम्फेसिस दिया गया है कि अंडरस्टैंडिंग पर इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग, और आज अगर टेक्नोलॉजी का हम अगर प्रयोग करना शुरू कर दिया है तो आप जा सकते हैं जो उस समय जो रेफरेंसेस थे कि कोई घटना घटी तो उस समय ग्रह की स्थितियां क्या थी, कौन सा दिन था, कौन सा वर्ष था, ये हम टेक्नोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि हाँ वो जो लिखा गया है। आज के समय में काल की गणना कैसे की जाए, जो हम क्रोनोमीटर से करते हैं, आपका सैंपल निकाल के C12, C14 और बेरिलियम एल्यूमिनियम को छांटते हैं, छांट करके बताते हैं, वो कर लेते थे लोग। फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, हमारे साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चे हमसे मेधावी थे, किन्हीं कारणों से घर में पिताजी का देहांत हो गया, कुछ हो गया, वो एक बार छूटा तो उसके बाद वो कहां से कहां होंगे, और हमको अवसर मिला तो हम यहाँ आ गए। फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट में जब हमने मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की तो ये मन में चिंता थी,
कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पांच बहनें हमसे ज्यादा पढ़ने में तेज थीं, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, 16 साल में शादी कर देनी है। तो उसके बाद भी वो शादी के बाद जब अपना घर व्यवस्थित कर चुकी, और एक हमारी बहन जब बेटी उसकी IAS में होने लगी, तो बोली भैया लगता है अभी नौकरी हमारी अभी भी नहीं हो पाएगी। तो उसकी बेटी IAS होने के पहले वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनी, नहीं तो अभी तक ऐसे ही जो कार्य कर रही थी। उदाहरण ये कि कोई चीज समाज से अलग हुआ, छूटा, तो वो हमेशा के लिए छूट गया। कितना भी मेधावी क्यों ना हो, कितना भी पढ़ने लिखने वाला क्यों ना हो, वो एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फिर से अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमारे शास्त्र में भेद बुद्धि की बात है, नीर छीर का आपको विवेक आना चाहिए, अलग करके उसको समझ सके। ये बच्चों में अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो गुरुदक्षिणा आपको प्राप्त हो गई। और अगर ऐसा आ गया तो जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब, एक बार हम जमीन से उखड़े तो फिर सूट बूट टाई में ही दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसको करने के लिए ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट है जो आपसे नया करवा ही देगा। इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं कि क्यूरिकुलम होना चाहिए, कितनी बार आप इसको रिवाइज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जगह जगह ये ऑडियो विजुअल का टेस्ट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अचीवमेंट जो है वो परीक्षा नियंत्रक महोदय अगली बार ध्यान रखेंगे, कैसे हम लोग असेसमेंट को फॉर्मेटिव कर दिया जाए। और जो बच्चे आ रहे हैं वो अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो हमारे पास ऐच्छिक विषय नहीं है, उनको ODL के द्वारा, उनको MOOCs के द्वारा, स्वयं पोर्टल के द्वारा, उनको भी जो अच्छे लेक्चर्स हैं उनको सुनने का अवसर दिया जाए। और मुझे लगता है कि ये इस तरह की तमाम बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आपने कहा था ना, बुंदेलखंड में जब हम गए तो वहां पर मुझे लोगों ने कहा कि आपको बधाई दें कि आपके लिए 2 मिनट का मौन रखें क्यों? क्योंकि वहां पर कार्य परिषद की बैठक के बाहर गोली चलती थी। एक 10 वर्ष के अंतराल में, 5-7 साल के अंतराल में 10 वाइस चांसलर क्विकली बदले, 6 महीने, और सब तरह के ट्राई किए गए। IIT से भी ले आए, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के रिटायर हुए वीर मित्र, उनको भी लगाया। सब प्रयोग करने के बाद फिर ये कहा गया कि किसी नए लड़के को पकड़ा जाए, थोड़ा सा जुझारू प्रकृति का हो। तो उस समय 10 वर्ष का प्रोफेसरशिप नहीं था, तो हमको ढकेल दिया गया। उसके बाद हमने कहा कि हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ आ गए, तो हमसे उन्होंने कहा कि दोबारा ये मत कहिएगा, 3 साल रहिए, उसके बाद चाहे जहाँ जाइए। तो दैट बुंदेलखंड, एंड दैट वॉज ऑल लाइक मेकिंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी ला दीजिए आप, सबको आप ऑनलाइन कर दीजिए। जितनी चीजें आप अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट कर देंगे, आपका प्रशासन उतना ही सुगम हो जाएगा। सारी कठिनाइयां जब छिपा के बस्ते में बंद करके रखते हैं तभी होती हैं। लोग समझ जाएंगे कि रूल्स के इतर कुछ नहीं हो सकता, तो लोग आपके पास सिफारिश के लिए भी नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ पर, व्याख्यान तो बड़ा लंबा था लेकिन प्रोफेसर पांडे जी का बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रसंग में बोला, और नालंदा तक्षशिला से लेकर के वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वहां तक के विभिन्न प्रसंगों को स्पर्श किया आपने। समाज की बहुत सारी समस्याओं को भी, प्राणियों की, जल की, नदियों की, तमाम तरह की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षण किया। बहुत शानदार लेक्चर आपने दिया। आपके इस सारगर्भित गंभीर उद्बोधन के लिए हम आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।